टफ अटैक, खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक ऐप। जो घटना हुई है उसका, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, त्वरित उसका उद्भेदन हो, रिकवरी हो, ये मुख्य मांग थी लोगों की, वो एक बात है। और दूसरा यह है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कुछ कार्रवाई किया जाए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी रिकवर हो गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी सबका की सारी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम से निकल चुकी है। ये जो बाकरगंज में घटना हुई है स्वर्ण व्यवसायी के साथ, उसको लेकर के हम लोगों ने आज सभी जो सर्राफा व्यवसायी हैं उनके संघ की और उन लोगों की बैठक बुलाई थी। लगभग 125 लोग शामिल हुए थे बैठक में और हमारे SSP साहब ने बहुत विस्तार से पूरे मामले को डिस्कस हम लोगों ने किया है और उन लोगों से सुझाव भी प्राप्त किया है। उनको जो शिकायत थी वो भी सुना है और उनसे सुझाव प्राप्त किया हम लोगों ने, उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें दो पहलू था, एक तो जो घटना हुई है उसका, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, त्वरित उसका उद्भेदन हो, रिकवरी हो, ये एक मुख्य मांग थी लोगों की, वो एक बात है। और दूसरा यह है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कुछ कार्रवाई किया जाए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो उसमें मुख्य रूप से था कि पेट्रोलिंग है पुलिस की, उसको उसकी बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पैंथर मोबाइल की जो है उसकी भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी वो लोग आ जा सकें और लगातार निगरानी कर सकें। बाकी व्यवसायी और पुलिस की नियमित रूप से बैठक करने का एक सुझाव आया है, तो प्रत्येक थाना पर हर महीने एक बैठक कराया जाए जिसमें कि व्यवसायी वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हों और पुलिस साइड से लोग रहें और जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उसको लोग आपस में वो करते रहें। तो इसको भी हम लोगों ने कहा है जरूर इसको कराया जाएगा, तो जो संवाद है इसको हम लोग स्थापित करेंगे, ये मुख्य रूप से सुझाव आए हैं। हमारी टीम्स निकल चुकी हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए और बाकी का रिकवरी करने के लिए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी रिकवर हो गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी सबका की सारी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम्स निकल चुकी हैं। कल हम लोगों ने चेक किया था जो हमारी दोनों गाड़ियां हैं, गांधी मैदान की हैं, कदमकुआं की गाड़ियां हैं, उनका GPS क्योंकि हमारे पास मॉनिटरिंग रहता है, गांधी मैदान की गाड़ी वहां पे पहुंच गई थी विदिन 5 मिनट जो सूचना मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और एक आध सुझाव आया था मोटरसाइकिल, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, चार पहिया वाहन से वहाँ पर गश्ती की दिक्कत होती है, तो वहाँ पर हम लोग एक इन्हीं के सहयोग से पॉइंट्स चिन्हित कर रहे हैं और एक स्थायी टिकट भी यदि हम लोगों को जगह मिलती है तो हम लोग खोलेंगे ताकि और इन लोगों को जो सुरक्षा भाव हम लोग दे सकें और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग को हम लोग और सघन करेंगे। हाँ, आज हम लोगों ने सुझाव दिया है क्योंकि पहले भी जो घटनाएं उत्पेदित हुई हैं, राजीव नगर वाली भी जो घटना उत्पेदित हुई है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ जो पहले रह चुके हैं या फिर आसपास हैं, तो अधिकांश लोगों, हम लोगों ने देखा कि लाइनर का काम वही किए हैं, तो आज हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब भी आप एम्प्लॉय रखें तो एक उसका कम से कम जो चरित्र सत्यापन है वो स्थानीय थाना से ज़रूर करा लें कि वो किस तरह का आदमी है, ताकि इन लोगों को भी पता हो कि किस तरह का आदमी के साथ काम कर रहा है और वो क्या विश्वसनीय है कि नहीं है। इस प्रकार के कुछ सुझाव हम लोगों ने दिए हैं, CCTV के अधिष्ठापन को लेकर उनका कैसे कवरेज होना चाहिए, इस सभी का भी बहुत ही अच्छी एक अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। उन्होंने भी सुझाव दिए, हम लोगों ने भी सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से एक कार्य योजना हम लोग इसी के अनुरूप तैयार करेंगे। कौन सा गैंग है ये? अभी तक जो है ये व्हीकल लिफ्टर गैंग जिसको बोलते हैं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है और ये ज़्यादातर चोरी और व्हीकल लिफ्टिंग के मामलों में थे, बाकी उससे ज़्यादा भी हम लोग इस अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ताकि वो लोग सतर्क ना। ये बोला गया है कि हम आप लगे हुए हैं, लोगों को जो भी आपकी सूचना होगा मिलेगा। अधिकारियों के बात से आप संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट हैं, इसके आगे का नहीं, अभी के लिए संतुष्ट।
लाइसेंस की मांग की है आप लोग? हम लोग लाइसेंस के लिए, हम लोग सबसे पहले रिकवरी पर हैं। रिकवरी हो, सामान गया है, माल गया है, तो सबसे पहले रिकवरी हो, उसके बाद फिर आगे का जितना भी प्रोसेस है वो सब चले। लेकिन जिसका सामान गया है, रोड पर आ गया आज के डेट में, तो सबसे पहले उस पर ही फोकस है बस। तो क्या आप लोग आज से दुकान कल से? नहीं, हम हाँ अभी तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी कार्यकारिणी का हम लोग का मीटिंग है, हम लोग को 5 बजे का अभी मीटिंग का क्लोज किया गया है पीएसएस ऑफिस में।